नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम अभी क्वाथ नगर पंचायत में हैं और आप लोगों को जिस तरह से जनता के बीच में बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं अभी कैंपेन चला रहे हैं, वैसे ही जो कि उप चेयरमैन के लिए हमारे साथ जो कि प्रत्याशी हैं, इनकी जो पत्नी है नीतू देवी जी हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बाबूधन चौधरी जी। और इस तरह से हम चुनाव के बारे में जानेंगे कि उप चेयरमैन बनते हैं, उनकी पत्नी बनती हैं और किस तरह से समर्थन मिल रहा है जनता लोगों का, और जीतने के बाद कौन कौन से कार्य और किस तरह से विकास करेंगे क्वाथ नगर पंचायत में, और पिछले बार कैसा काम चल रहा था और इस बार अगर चुनाव जीतने के बाद कौन कौन सा मुद्दा होगा, मेन मुद्दा पर हम लोग फोकस करेंगे। क्योंकि आप आज के समय हम आपको बता देना चाहते हैं, जितने भी आज के समय में अब वार्ड नहीं अपने मतलब सदस्य को चुनते हैं जो कि चेयरमैन उप चेयरमैन या फिर कोई भी हो, अब जनता के द्वार पर जाना पड़ रहा है, इस तरह से कैंपेन चलाना पड़ रहा है और मेहनत भी पूरा करना पड़ रहा है। रात दिन एक करके लोग मेहनत कर रहे हैं चुनाव के लिए और लगभग महज 2 से 3 दिन और समय है और जोर शोर से अभी मेहनत चल रहा है लोगों से। तो अभी हम जानेंगे भैया से। सबसे पहले आपको परसुमित लाइव न्यूज में स्वागत है जी। नमस्कार। किस तरह से कैंपेन चला रहे हैं आप लोग, बहुत कम समय बचा है चुनाव के लिए? चुनाव के लिए हम लोग बहुत युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं और डोर टू डोर जनता से मिल रहे हैं और उनके विकास के लिए शिक्षा, हॉस्पिटल और जो भी उनकी समस्या है, नली गली, वो लोगों को जो भी अधिकार से वंचित हो रहे हैं, अपने आवास योजना हो चाहे अन्य प्रकार की कोई भी योजना सरकार की आती है जो ना समझ है, वो उनको बताया जाएगा, उनका काम कराया जाएगा, इस तरह का प्रोड्यूसिंग हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, अपने पत्नी को खड़ा किए हैं इस बार ना, महिला सीट ही था क्या? जी, महिला सीट था। चूंकि चुनाव हम लड़ने वाले थे और काफी मेहनत कर चुके थे, अच्छा अचानक ये सीट रिजर्व हो गया महिला, इसलिए मजबूरन महिला को खड़ा करना पड़ा। उससे कोई अंतर नहीं है, महिला भी है तो आज के डेट में महिला ही सब कुछ कर रही है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कह रहा है और सरकार भी महिलाओं को इस तरह संरक्षण दिया है कि ताकि महिला लोग भी बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें और महिलाओं को अच्छा मतलब योगदान किया जाए। क्या महिलाओं के लिए आगे आप लोग करने वाले हैं? महिला के लिए, महिला का सबसे पहले होगा कि नारी सशक्तिकरण जो होगा जी, वो हमारे जब चुनाव हमारा निकल जाता है सबसे पहले हम बालिका उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बनवाने का हम काम करेंगे। अभी नहीं है यहाँ पर? अभी नहीं है यहाँ पर, एकदम बालिका लोग केवल जाए उसका यहाँ कोई स्कूल नहीं है बालिका का। जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी देख रहे हैं कि क्वाथ नगर पंचायत में बहुत सारे गाँव जो जुड़ा हुआ है और वहाँ के जो बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं बहुत जगह पढ़ने में मतलब जाने में असमर्थ हैं, इसके लिए आप कार्य करेंगे तो सही रहेगा। यहाँ लगभग पढ़ाई के दिशा में अगर सोचते हैं तो हमारे यहाँ से विक्रमगंज 15 किलोमीटर दूर है और अच्छा शिक्षा के लिए गार्जियन जो है उस तरह से जो पैसे में है समर्थ ट्रांसपोर्टिंग खर्चा दे पाते हैं तो उन्हीं का बच्चा विक्रमगंज पढ़ता है। जो गरीब तबका के लोग उनका बच्चा उस बढ़िया स्कूल में कहाँ से पढ़ेगा जब पैसा नहीं, तो एक बढ़िया स्कूल का भी यहाँ निर्माण हो, निर्माण कराया जाएगा, उच्च शिक्षा मिले, बढ़िया शिक्षा मिले, तो ऐसा हमारा सोच रहेगा और हम करेंगे। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए कौन सा कदम आप लोग उठा रहे हैं? अभी तो स्वास्थ्य का जो हाल है क्वाथ नगर पंचायत में सही नहीं, हमने भीड़ भी किया वहाँ पर। पहले तो इससे भी बुरा हाल था, कोई स्वास्थ्य नहीं था, एक के बार जाना पड़ता था दावत। अब तो एक अस्पताल खुला है लेकिन यहाँ डॉक्टरें नहीं है, डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, तो डॉक्टर को यहाँ लाना और ड्यूटी ढंग से कराना, लोगों को देखना, ये सारी निगरानी रहेगी चुनाव बाद। चुनाव जीतने के बाद ये सारी निगरानी और डॉक्टर जो नहीं होंगे वहाँ मुहैया कराना, ये हमारा काम रहेगा। अच्छा, हम देखते हैं चुनाव में बहुत जगह देखते हैं कि मतलब जातिवाद भी लोग मतलब फैल रहा है आज के समय चुनाव में, कि लोग जाति देख कर वोट करते हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए देखिए, जाति पर वोट नहीं होता है, वोटिंग जमात पे होता है। जाति एक जाति विशेष लेकर चलिएगा, हम कुर्मी है, आप अहिर है, हम राजपूत है, हम कमकर है, इस पे वोटिंग नहीं होता है, व्यक्तित्व पे चुनाव होता है। किसका क्या व्यक्तित्व है, क्या ये करेंगे सामाजिक, कल जाके इनकी छवि क्या रहेगी। अपने बेटी बहन का शादी जब आप करने जाते हैं तो आप खोजते हैं कि आने वाला कल मेरा बेटी खुश रहेगी कि नहीं, तो उसी तरह जो प्रत्याशी होता है तो जनता देखती है आने वाले कल में ही सही रहेंगे कि नहीं, आज सही है कि नहीं, ये चारों दृष्टिकोण से जनता खुद चुन ले।
अच्छा बीच में तो चुनाव स्थगित भी हो गया था ना, तो काफी आप लोग मायूस भी होंगे इसको लेकर, फिर डेट तो निकला है। अब क्या कहा जाए, इतना लंबा चुनाव, मेरा ये फर्स्ट चुनाव है। इतना लंबा चुनाव जो हम लोग झेल के आ रहे हैं 10 महीना से, अभी व्यथा कहने में, अब पीछे बैग घूम के ताकने में ये बेकार है, समय का नुकसान होगा। अब जो है सो आगे है, हम लोग बढ़ रहे हैं और जनता का हमें दुलार प्यार इसने बहुत मिल रहा है, और चुनाव हम जीतेंगे, क्या जीत गए कैसे, मतलब इतना विश्वास के साथ आप कह रहे हैं? इसलिए कि सारे लोग, सारे जाति समुदाय के लोग एक साथ मेरे साथ है। हाँ। आप जो सवाल किए जाति विशेष पे, हाँ, सही बोल रहे हैं। तो यहाँ अपने माइक उठा के पूछिए कि कौन कौन यहाँ पीछे जात है, आपको समझ में आ जाएगा। एक जाति होंगे तब ना, सही बोल रहे हैं। और सिंबल क्या है आपका, पूछेंगे? मेरा सिंबल टेबल फैन है, 6 नंबर क्रम संख्या। क्या कहेंगे जनता से, अपील क्या कहेंगे आप? जनता से अपील यही हो रहा है कि आप हमें चुनाव जिताइए, हम यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लूटपाट हो रहा है, जो विकास से बाधित हो रहा है, वो सारे काम जनता का हम करेंगे, और निष्पक्ष निर्मल होकर और कोई दलाली के काम नहीं करेंगे। जनता का हक दिलवाएंगे, जनता का अधिकार दिलवाएंगे। जो अधिकार से वंचित है, जो नासमझ है, जिसको समझ नहीं है सरकार हमें क्या दे रही है, उस चीज को घर घर जाकर बताएंगे कि आपका ये लाभान्वित चीज है, आया हुआ है, आपको लाभ मिलने वाला है, आप यहाँ आइए और अपने लाभ को उठाइए। काफी सारे देख रहे हैं कि नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, युवा भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं। अरे बुजुर्ग गार्जियन ही तो है जो छाह मिलता है, बिना गार्जियन के छाह मिला है किसी को? नहीं, कभी नहीं। तो बिना गार्जियन के हम लोग आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। गार्जियन का ही आशीर्वाद रहेगा तबे ना आगे बढ़ेंगे, चाहे किसी जात से हो, जात क्या होता है। सही बोल रहे हैं। और आपके जितने भी समर्थक हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। और देखिए हमारे साथ जो कि मौजूद हैं अभी, जो कि बाबूधन चौधरी जी हैं, चुनाव के जो डेट निकलने से पहले काफी सामाजिक कार्यों में हमेशा संलग्न रहते हैं, लेकिन महिला सीट होने के कारण अपनी पत्नी को जो कि खड़ा किए हैं, और काफी समर्थन भी मिल रहा है इनके साथ, बहुत सारे समर्थन है, समर्थक है, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है भी आपका? कहाँ घर है आपका? किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आपको? बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। क्या आप लोग मतलब किस, क्या देखकर सपोर्ट कर रहे हैं? क्या विकास का काम होगा, जीतेंगे जिताएंगे? तो ये देख रहे हैं नया चेहरा है, विकास हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये करेंगे और करेंगे, इसीलिए हम लोग समर्थन में हैं। जी बिल्कुल। क्या मुद्दा होगा चाचा, क्या नाम है तब? मेरा नाम सदरुद्दीन खान है। अच्छा, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा तो हम लोग का अभी तो चल रहा है बहुत अच्छा, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। सब कोई हम लोग मिल के चल रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ना? पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और भी देखिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला सिंह है। काफी स्टाइल में मुझ रख रहे हैं आप भी ना? जी जी, बहुत बचपन का शौक है मेरा। हाँ, बिल्कुल, इसलिए रखे हैं। अच्छा। और मेरा मित्र बाबूधन चौधरी जी है। हाँ, हाँ। जो कि बहुत पुराने मित्र हैं, मैं इनके लिए चुनाव में जब तक से आया हूँ अब तक से अपने घर नहीं गया हूँ। अच्छा। और इनको पूरा फुल सपोर्ट इनसे, और इनकी जनता जितने भी नगर पंचायत क्वाथ के लोग हैं, इनसे अच्छा खासा मिलवाते हुए हमको बहुत जनसंपर्क हो चुका है। और लोगों ने हमको भी देखकर इनको बहुत मान कर रहे हैं। और इनका यही मांग है कि जो जिसको जनता को हक होगा उसको घर घर में पहुंचाएंगे। मुझे दलाली नाम का चीज, कोई पैसा नहीं चाहिए। जी बिल्कुल जी। नाम का बताए हैं? मेरा नाम भोला कुमार सिंह है, ग्राम पोस्ट विक्रमगंज। अगर मित्रता सीखना है तो इनसे सीखिए कि अपने मित्र के लिए, जब से चुनाव का डेट निकला है उसी समय से अभी संलिप्त हैं और मित्र का सहयोग कर रहे हैं। और कृष्ण सुदामा वाले मित्रता मतलब देखा जा सकता है यहाँ से, काफी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग ना? बहुत, जितना मेरा दोस्त मित्र और इस नगर पंचायत के जितने भी हितजन हैं मेरे मित्र के, वो सब मित्रों को बुलाकर सारे हितजन को घर घर मैंने पहुंचवा दिया हूं, जो कि वो मेरा मित्र जो लोग हैं आज जिनके इनके पंचायत में पड़ता है, नगर पंचायत में, वो सब लोग इनको हमारे लिए वोट देने के लिए सबको पीठ ठोक दिए हैं, आशीर्वाद दे चुके हैं कि बाबूधन जी आप चुनाव निकाल चुके हैं, थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, आपको ज्यादा मेहनत की कोई जरूरत भी नहीं। जी बिल्कुल। क्या नाम है भाई, क्या नाम है? रंग बहादुर सिंह। कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप? हमारा तो फुल सपोर्ट है। जीत मान के चलिए आप जितवाएंगे, जीतते मतलब वोटिंग करेंगे, जीतते हैं ये। हाँ। जीतने के बाद कौन सा मतलब पहला प्राथमिकता होगा कार्य के लिए? अरे प्राथमिकता ये है भाई, विकास मैंने कह रहे हैं करने के लिए, तो हम लोग साथ में है, काफी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से और भी हम जानते हैं यहाँ पर, काफी यहाँ पर युवा लोग भी हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा उपेंद्र चौधरी। कहाँ घर है? बंगटी। बंगटी। किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं भैया को?
भैया जो इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि जो ये पहले ही चुनाव से पहले भी करते थे और चुनाव के बाद भी करेंगे सामाजिक कार्यों में, मतलब आगे रहते हैं हमेशा ना? हाँ, पहले भी करते थे, अभी करेंगे। हाँ, वादा है इनका। जी बिल्कुल, और भी देख रहे हैं कि यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। और काफी काफी लोग इनके प्रति जो कि एक्टिव हैं और काफी लोग का कहना है कि समर्थन भी काफी मिल रहा है। क्या नाम है चाचा? प्रमोद सिंह। क्या कहेंगे, कौन कौन सा मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? सब विकास के लिए दौड़ते हैं। हाँ, पूरा सपोर्ट है हम लोग का। जी बिल्कुल, कौन कौन सा मुद्दा होगा चाचा? मुद्दा नगर पंचायत में घूस खसोट जो चल रहा है उस पर ये तैयार है, हम इसीलिए इनको, मतलब जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचार तो मिटाइएगा, मतलब इनको खड़ा करके ना। जी, क्या लग रहा है कि अगर जीतते हैं तो मतलब भ्रष्टाचार नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, पूरा पूरा विश्वास है? नहीं भैया, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। वो भ्रष्टाचार को अगर नहीं भी जीते हैं तब पर भी उनको रोकाव करने के लिए, मान लीजिए उसका पावर होता है, लेकिन बिना पावर का भी इस जनता की पूरी सेवा करते हैं। जिसको जो सपोर्ट चाहे, थाना हो, पुलिस हो, कोई भी ब्लॉक तलॉक हो, किसी कर्मचारी बैंक हो, किसी का पैसा फंसा तसा हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, बीमार है, उन लोगों को बेचारे द्वार पर जाकर जो भी गाड़ी घोड़ा पैसा कौड़ी देना होता है, इनको लेने की कोई शौक नहीं है, ये दे देते हैं अपना ओर से, पूरा सेवा जनता की करते हैं। सामाजिक मतलब कार्य में संलग्न रहते हैं बहुत बहुत बहुत। इनको बागो उतना नहीं करेगा जितना ये बाबूधन चौधरी किए हैं। हाँ, इसीलिए जनता इनको चुना है। जी बिल्कुल, काफी सपोर्ट मिल रहा है अभी आपको ना, देख रहे हैं कि एक्टिव है, मिल रहा है। क्या कहेंगे अपने मित्र के लिए, दो शब्द कहिए आपके मित्र आपके लिए हमेशा खड़े रहे। ये जो मित्र मेरे लिए कर रहे हैं, और ऐसा लगता है हमको कि ये जीवन हम लोग का एक साथ इसी तरह गुजर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा अभी हम आज वादा करते हैं कि धरती पे ऐसा अभी कोई मित्र होगा ही नहीं जो चुनाव रद्द होने से पहले और चुनाव रद्द होने के बाद ये डेट जो नया आया इसमें भी इनकी जो संलिप्तता और जो इनका योगदान है हमसे जीवन में नहीं दिला पाएगा। जी, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, जीवन में हम नहीं दे पाएंगे इनकी। जी बिल्कुल, देखिए मित्रता सीखना है तो यहाँ इन दो भाइयों से सीखिए जो कि अभी अपने मित्र के लिए अभी खड़े हैं, हमेशा एक्टिव हैं, और जो कि अभी आपको हम बात करवा रहे थे जो कि बाबूधन चौधरी जो हैं, जिनकी पत्नी नीतू देवी जी हैं, अभी खड़ी हैं चुनाव में और उप चेयरमैन के लिए। आप लोग देखिए इनका मुद्दा है, बहुत सारे जो भ्रष्टाचार हैं, जो भ्रष्टाचार कुवात नगर पंचायत में वो दूर करेंगे, और जो विकास का जो गाड़ी है कुवात नगर पंचायत में शुरुआत करेंगे, इस तरह से हम दिखाने का कार्य कर रहे हैं। अगर इनका मुद्दा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार।